हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कोरियन सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स पार्ट 2 के बारे में। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसीलिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं हम 2022 की एक कोरियन ज़ॉम्बी सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड से। ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज सेटअप है एक स्कूल में, जहां पर एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है, जिसके कारण वहां के ऑलमोस्ट सभी बच्चे ज़ॉम्बीज में बदल रहे होते हैं। तो क्या बचे कुछ लोग वहां से निकल पाते हैं या नहीं, और क्या वो ज़ॉम्बी शहर में फैल जाते हैं, आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2022 की एक क्राइम थ्रिलर सीरीज मनी हाइस्ट कोरिया के बारे में। ये सीरीज का टोटल एक सीजन है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये एक रीमेक सीरीज है स्पैनिश की बहुत ही बड़ी हिट क्राइम थ्रिलर सीरीज मनी हाइस्ट की। स्टोरी का प्लॉट और ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको ओरिजिनल सीरीज की तरह ही देखने को मिलेगा, पर क्योंकि ये एक कोरियन सीरीज है, यहाँ पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के जियोपॉलिटिक्स के एलिमेंट्स को ये सीरीज में आपको दिखाया गया है, और हर एक कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी में आपको थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि काफी नोटिसेबल है। पर ओवरऑल क्योंकि ये एक रीमेक सीरीज है, अगर आपने ओरिजिनल सीरीज को देखा है तो आपको हर एक चीज के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा कि आगे जाकर क्या होने वाला है और किस तरह से गैंग पुलिस को धोखा देती रहेगी। तो अगर आप सब मनी हाइस्ट की ओरिजिनल सीरीज को देख चुके हैं तो ये सीरीज आपको उतना पसंद नहीं आएगी, पर अगर आप कोरियन सीरीज के फैन हो तो अगर आपको ये सीरीज देखनी होगी, आपको इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी। ये सीरीज को IMDb पर 5.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2023 की एक एक्शन थ्रिलर सीरीज ब्लड हाउंड्स के बारे में। ये सीरीज का टोटल एक सीजन है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है दो यंग बॉक्सर्स के बारे में जो कि दोस्त होते हैं। उनकी लाइफ एकदम बदल कर रह जाती है जब वो ये फैसला करते हैं कि वो अपने शहर के एक लोन लैंडिंग शार्क से एक जंग छेड़ देते हैं, जो कि मजबूर लोगों का फायदा उठाकर उनके पास से पैसे लूटने का काम करता है। तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब होते हैं भी या नहीं, और ये किस तरह की लड़ाई है, आपको सभी सवालों के जवाब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेंगे। ये सीरीज में आपको जो एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे वो काफी ब्रूटल और रियल लगते हैं। ओवरऑल ये अच्छी सीरीज है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये सीरीज को IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की सीरीज माई नेम के बारे में। ये एक कोरियन क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसका अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं, और हर एक एपिसोड लगभग एक घंटे का है। ये सीरीज है एक लड़की के बारे में जिसके पिता का मर्डर हो जाता है। इसी के चलते वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक क्राइम बॉस की गैंग ज्वाइन कर लेती है और उसी के इशारों पर फोर्स ज्वाइन करने का डिसीजन ले लेती है। तो ऐसा करते हुए क्या वो अपने पिता की मौत का बदला ले सकती है या फिर किसी और बड़े चंगुल में वो खुद फंस जाती है, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज को 7.9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। हम बात करने वाले हैं 2023 की एक कोरियन रियलिटी कॉम्पिटिशन सीरीज फिजिकल 100 के बारे में। ये सीरीज का टोटल एक सीजन है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है 100 कंटेस्टेंट्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी फिजिकल शेप में रहते हैं। वो सब एक दूसरे के साथ सीरीज ऑफ चैलेंजेस में कम्पीट करते हैं ताकि वो ऑनर और कैश प्राइज को पा सके, पर वो सिर्फ एक को ही मिलेगा। तो कौन होता है इस सीरीज का विनर और क्या क्या टास्क आपको देखने को मिलेंगे, आपको सभी सवालों के जवाब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेंगे। ये सीरीज को 7.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की एक एक्शन थ्रिलर सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड के बारे में। ये सीरीज के टोटल दो सीजन हैं और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं, और ये सीरीज बेस्ड है 2010 की जापानीज मंगा के ऊपर। ये सीरीज है अरिसू नाम के गेमर के बारे में जो कि टोक्यो शहर का रहने वाला होता है। अरिसू और उसके दोस्तों की लाइफ एकदम बदल कर रह जाती है जब वो अचानक एक मिस्टीरियस जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें डेंजरस गेम्स खेलने होते हैं सरवाइव करने के लिए। तो क्या अरिसू और उसके दोस्त उस दुनिया से बाहर आ पाते हैं भी या नहीं, आपको तो जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को 7.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की कोरियन साइफाई थ्रिलर सीरीज द साइलेंट सी के बारे में। ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं।
ये सीरीज सेटअप है ऐसे फ्यूचर में जहां पर दुनिया में थोड़ा ही पानी बचा हुआ है और धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया खत्म होने वाली रहती है। इसी के चलते साइंटिस्ट की एक टीम को चांद पर भेजा जाता है 24 आवर के एक मिशन के लिए, जहां पर उन्हें चांद पर मौजूद एक स्पेस स्टेशन से कुछ सैंपल्स लाने होते हैं। उनकी लाइफ एकदम बदल कर रह जाती है जब उन्हें कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में उन स्पेस स्टेशन में पता चलता है जिसके कारण जिंदगी और मौत की एक जंग छिड़ जाती है। तो आगे उनके साथ क्या होता है आपको जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को 6.9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2022 की एक कोरियन थ्रिलर सीरीज द ग्लोरी के बारे में। ये सीरीज का टोटल एक सीजन है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है एक यंग वुमन के बारे में जिसको इतना बुली किया जाता है कि वो स्कूल से ड्रॉप आउट करने का फैसला कर लेती है। फिर आगे जाकर वो एक बहुत ही खतरनाक रिवेंज प्लान करती है। आगे जाकर जब वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर बन जाती है तो उसका स्टूडेंट वो लड़का रहता है जिसके पिता इसको बहुत ही ज्यादा बुली करता था। तो आगे जाकर उसकी लाइफ कैसे बदल जाती है और क्या वो अपना रिवेंज लेने में कामयाब होती है भी या नहीं, आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज को IMDb पर 8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2022 की एक थ्रिलर ड्रामा सीरीज नार्को सेंट्स के बारे में। ये सीरीज का टोटल एक सीजन है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है एक ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर के बारे में जो कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट मिशन ज्वाइन कर लेता है कोरियन ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए जो कि साउथ अमेरिका से ऑपरेट कर रहा होता है। तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब होता है भी या नहीं, आपको तो जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज बेस्ड है ट्रू इवेंट्स के ऊपर और ये एक वेल रिटन और वेल डायरेक्टेड सीरीज है जहां पर आपको शुरुआत से आखिर तक स्टोरी लाइन में एक एंगेजिंग फैक्टर बनाए रखेगा जिसके कारण आप थोड़ा भी बोर नहीं होंगे। ये सीरीज को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की सीरीज स्क्विड गेम के बारे में। ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये एक सर्वाइवल ड्रामा सीरीज है जहां पर कुछ लोगों को एक सीक्रेट आइलैंड पर लेकर चले जाते हैं और वहां पर उन्हें बच्चों वाले गेम्स खिलाया जाता है और विनर को एक बहुत बड़ा विनिंग अमाउंट मिलेगा। सुनने में जितना आसान लग रहा है असलियत में उतना आसान नहीं है, क्योंकि भले ही लोगों को बच्चों वाले गेम्स खिलाए जाते हैं पर जो जो प्लेयर्स गेम में हार जाता है उन्हें डायरेक्ट मार दिया जाता है और हर एक गेम के पीछे बहुत ही अच्छे तरीके से एक इमोशनल स्टोरी टेलिंग की गई है जिसको देखने के बाद हम पहले एपिसोड के पहले सीन से ही ये सीरीज में बिल्कुल कनेक्टेड हो जाते हैं। तो क्या स्क्विड गेम को कोई प्लेयर जीत सकता है या नहीं, आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये ऐसी कोरियन ड्रामा सीरीज है जिसको आप स्टार्ट तो कर देंगे ही पर बिना खत्म करे आप जरूर नेटफ्लिक्स से लॉग आउट नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सीरीज आपको बिल्कुल पसंद आएगी। ये सीरीज को 8.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आप ऐसे ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल एक्सक्लूसिव टॉप 10 सीरीज और मूवी रिकमेंडेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।